अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए चिकन चाउमीन थाई स्टाइल में तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये एक ब्रेस्ट पीस दिया था, जिसे लॉन्ग स्ट्रिप में, यानी अगर हम कहें जुलीन स्टाइल में कट करके रख लिया है। इसमें ये कुछ मसाले डाल के मैं मैरिनेशन के लिए रखूँगी। एक अंडा, ये कॉर्न स्टार्च लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ सोया सॉस लिया है, 1/2 टेबल स्पून वाइट पेपर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, ये दोनों क्रश्ड हैं। इसके अलावा मैंने लहसुन का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, ये मैंने कम लिया है इसलिए कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, अगर ज़्यादा लेंगे तो टेस्ट ख़राब हो सकता है। इसके अलावा वाइट विनीगर 1 टेबल स्पून है और नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। नमक भी कम लेने का मकसद ये है कि सोया सॉस में भी नमक होता है और वहाँ हम वेजिटेबल्स में भी नमक डालेंगे। अब मैं तमाम प्रोसेस करती हूँ, तमाम चीज़ें मिलाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुँच सकें। 250 ग्राम स्पेगेटीज़ हैं, आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा। यहाँ पानी खौल रहा है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ और मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूँगी। ऑलिव ऑयल के मैं 2 टेबल स्पून इस वक्त इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी अच्छे से खौल जाए तो फिर मैं इसमें ये स्पेगेटीज डाल के और इन्हें बॉईल करके निकाल लूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं और स्पेगेटीज भी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ करके और इन्हें रिंस कर रही हूँ, ठंडा पानी इनमें डालूँगी और जब ये तैयार हो जाती हैं तो फिर मैं मज़ीद ये प्रोसेस करती हूँ। इस स्पेगेटीज तैयार हो चुकी हैं, उन्हें मैंने एक साइड पर रख दिया है। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, ये हम ऑलिव ऑयल में तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 3 लहसुन के जवे बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिए हैं, ये मैं इस तेल में डाल रही हूँ और इसे सौते करूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है कि इन तमाम चीज़ों में ओरिजिनल जो स्मेल होती है सब्ज़ियों की वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। 2 कप कैबेज जो जूलियन स्टाइल में कटा हुआ है और 1 कप गाजर, ये भी जूलियन स्टाइल में कटा हुआ है, इसको भी मैं सौते करूँगी। इसके अलावा यहाँ मैंने 1/2 कप कैप्सिकम लिया है, ये भी जूलियन स्टाइल में कटी हुई है। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह टॉस करते हुए पकाऊंगी। ये 1 से 1.5 मिनट तक पकेंगे। एक से डेढ़ मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें जो मैंने चिकन स्टॉक रखा हुआ है 1/4 कप, उसमें से थोड़ा सा डाल रही हूँ, बड़ा अच्छा सा अरोमा आएगा। देखें ये सिजलिंग साउंड जो है वो बहुत अच्छी सी लगती है, बड़ा अच्छा अरोमा भी उठ रहा है। अब मैं स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल रही हूँ इसमें और इसको भी सौते करूँगी। अब फिर मैं इसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक का छींटा लगाऊंगी। एक मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश्ड,
आधा टीस्पून ही वाइट क्रश्ड पेपर और क्वार्टर टीस्पून ओरिगेनो ड्राइड डाल रही हूँ। ओरिगेनो ज़्यादा नहीं डालिएगा, इसलिए कि इसका अगर ज़्यादा अरोमा आ जाता है तो खाने का ये सत्यानाश कर देता है, अच्छा नहीं लगता है। सत्यानाश से मेरा मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ा सा डालते हैं तो देखिए इस वक्त अपनी अच्छी सी स्मेल इसमें से उठ रही है। अब ये वेजीज भी बहुत अच्छी सी लग रही हैं, क्योंकि इन्हें हमें फुल कुक नहीं करना है, बल्कि हमने इसे थोड़ा सा कम कुक करना है ताकि इसकी क्रिस्पनेस भी बरकरार रहे। यहाँ मैं हरी प्याज जो मैंने वो भी जूलियन स्टाइल में काटी है वो डाल रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके 15 से 20 सेकंड तक फ्राई करूँगी। बहुत कलरफुल लग रहा है, ग्रीन रेड और वाइट येलो कलर बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर दे रहा है जो आँखों को बहुत भला लग रहा है। वेजीज बहुत अच्छी सी तैयार हो गई हैं, लिहाजा मैं इन्हें निकाल रही हूँ और निकालने के बाद इन्हें एक साइड पर रख दूँगी। और इस सॉस पैन में मैं फिर उस चिकन को तैयार करूँगी जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का डाल रही हूँ, सॉस पैन ऑलरेडी गरम है। अब मैं ये चिकन के जो जूलियन कट मैरिनेट हुए हैं ये डाल रही हूँ, जो इसकी ग्रेवी है इसको मैं अलग कर दूँगी और हाई फ्लेम पे ये बहुत अच्छे से पकेंगे। इन्हें मैं 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। चिकन हाई फ्लेम पर तकरीबन 4 मिनट तक पकी है और ये अच्छी सी टेंडर हो गई है। अब मैं इसमें वेजिटेबल जो मैंने निकाली थी ये मिक्स कर रही हूँ, फ्लेम हाई ही रहेगा। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 ही टेबलस्पून वाइट विनेगर। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें स्पेगेटीज शामिल कर रही हूँ। और मैंने अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। और मिक्स करने के बाद फिर मैं आपके लिए से डिश आउट करती हूँ। अब ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, मैं फ्लेम ऑफ करने की तैयारी कर रही हूँ। फ्लेम ऑफ करके अब मैंने आपके लिए डिश आउट करूँगी। व्यूवर्स अब ये आपके लिए डिश आउट हो रही हैं, बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई है हर तरफ। व्यूअर्स आपकी ये थाई स्टाइल चिकन चाउमीन तैयार है। इसको चिली सॉस, गार्लिक सॉस या टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ा देगी। मैंने टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस रखा है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।